नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग परिवार टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपके समक्ष एक बार फिर राजनीति शास्त्र के एक अलग स्वरूप और कड़ी के साथ मौजूद हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी उदासीनता, निराशा, इन सबको त्याग कर आ रही टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का स्वागत करने का ठान लिया है। और ना तो ठान ही लिया है बल्कि अब आपने सोच लिया है कि इस एग्जाम्स को क्रैक कर ही जाना है। तो मैं भी इसी कोशिश में, इसी पहल में आपके साथ खड़ी हूं और उम्मीद करती हूं कि आपके इस सफलता में आपके साथ खड़े होकर आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकूं। चलिए आज बात करते हैं राजनीति शास्त्र के कुछ ऐसे पहलू पे जो टर्म्स, जो शब्द आपको बार बार कई जगह मिलेंगे। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है? हर देश के नागरिक को अपने देश का संविधान जानना आवश्यक है अथवा नहीं। फिर आपने देखा, मैंने लिखा है शासन के संचालन में इस संविधान की क्या भूमिका है। राजनीति शास्त्र क्यों पढ़ा जाए, क्या नीड है इसको पढ़ने की, हम आप क्यों जानना चाह रहे हैं। हो सकता है हमारी च्वाइस हो सकता है इस विषय से हमें विशेष लगाव हो इसलिए हम पढ़ना चाह रहे हैं, या हो सकता है हमें पता है कि ये राजनीति शास्त्र राज्य के संपूर्ण इकाइयों को बताता है इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में राज्य है क्या, एक संगठित राज्य क्या होता है, उसके मूल्य, उसकी नैतिकता, उसके नियम और उसके संचालन के तरीके क्या होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, सिलेबस और टॉपिक ये सब कुछ चलेंगे क्रमवाइज, लेकिन इस क्लास में कुछ टर्म्स को पढ़ा जाए इसलिए कि जब हम शुरू करेंगे, जब हम क्लास लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तब आप उस टर्म्स को जानते रहे और हमारे साथ आप उसको पढ़ते रहे। मैंने बताया है पहले ही, जैसा पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि जब भी हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक से आ रही सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएंगे और अब तक एग्जाम्स में किस प्रकार उस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। तो अब आज बात करते हैं भारत के संविधान में आ रही कुछ टर्म्स के। जैसे कि मैंने लिखा भारत का संविधान, शासन के संचालन में इसकी भूमिका, नागरिकों को जानना आवश्यक है कि नहीं, राजनीति शास्त्र क्यों पढ़ा जाए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले संविधान की। ये इसी संविधान की हम बात कर रहे हैं जो संविधान हमारे सामने इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में खड़ा है कि जिसके द्वारा ही समस्त देश संचालित हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि ये इस समय एकमात्र ऐसी ग्रंथ है जो हमें बताती है कि हमारा जीवन कैसा होगा, जीवन का स्वरूप कैसा होगा, तो गलत नहीं है। चलिए बात करते हैं इसी भारत के संविधान की। अब मैंने कहा क्या हर देश के नागरिक को जानने की आवश्यकता है कि हमारे देश का संविधान क्या है। तो चलिए आज एक जानकारी आप हमें दीजिए कि जब हम सो रहे थे मतलब हमें यह था मेरा ये धर्म है, मेरी ये जाति है, मेरा ये संप्रदाय है, मेरा ये क्षेत्र है, इतना ही तो मेरा है और इतने पे मुझे राज्य करना है। मतलब मुझे भारत जैसे देश से मतलब नहीं था, मुझे भारत के क्षेत्र में और रह रहे नागरिकों से मतलब नहीं था, मुझे मेरे क्षेत्र से मतलब था और हम अपने क्षेत्र में अपनी सत्ता चाहते थे इसलिए हमने कभी सोचा नहीं कि सब एक हो, एक मंच पर खड़े हो और हम अपने देश को मजबूत बनाए। तो हमने क्या कहा, जब हम क्या थे, तो भैया हम केवल एक क्षेत्र विशेष में रह रहे थे तो हमें नियम कानून नहीं पता था। धार्मिक नियम कानून भी चले हमारे देश में, राजा जो भी राजा आए या जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने आक्रमण किया या जो यहां पे वंशानुगत शासन पाए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से शासन चलाया। अगर मैं कह दूं कि राज्य शासन की बात की जाए तो राजा अपने हित के अनुसार शासन चलाएगा या ज्यादा से ज्यादा जनता को देना चाहेगा? क्यों? क्योंकि राजा तो बाई बर्थ राजा है ना, तो वो तो अपना हित देखेगा। तो क्या हुआ, कोई नियम कानून ऐसा नहीं था जो आपके समानता की बात करता। ये वही संविधान है जिसने इसकी बात की है। अब मैंने ये कहा कि ये संविधान क्या है, तो मैंने बता दिया आपको एक ग्रंथ है जो क्या कर रहा है, तो आपको मजबूती प्रदान कर रहा है, लेकिन बहुत अधूरा है और ना के बराबर है।
अगर मैं कह दूं कि संविधान एक पुस्तक है, आपको उसे पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका थोड़ा बहुत डेवलप होगा, तो भी ये बहुत छोटा शब्द है। मतलब कुल मिला के ये है कि संविधान को सीमित शब्दों में परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यह असीमित है। इसमें न जाने कितने लिखित मौलिक दस्तावेज हैं, न जाने कितने नियम और संग्रह हैं, जिनका कलेक्शन बन के तब तो ये महान ग्रंथ बना है। न जाने कितनी बार इसको देश की परिस्थितियों से मिलाकर देश की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया, तब ये संविधान बना है। इसको परिभाषा कैसे कर दिया जाए? इसको परिभाषित तो किया ही नहीं जा सकता सीमित शब्दों में। इसकी अनन्य परिभाषा हो सकती है जिस प्रकार आप चाहें, लेकिन वो परिभाषा किस परिप्रेक्ष्य में हो, तो हर देश का अपने अपने परिप्रेक्ष्य में हो, और हर देश ने उस संविधान को अपने देश के इतिहास, राजनीतिक स्थित, धार्मिक स्थित, आर्थिक स्थित के अनुरूप बनाया हो, तब जाके वो संविधान विकसित संविधान कहलाता है और वो देश संवैधानिक देश कहलाता है। हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं सवाल ये कर दूं, पहले हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हर देश के नागरिक को अपने देश के संविधान को जानना आवश्यक है अथवा नहीं है, पहले हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको इस पेन के बारे में जानना आवश्यक है कि नहीं है, तो आपका पहला सवाल बनेगा कि मैम ये तो बताइए ये पेन है परिभाषित कैसे है, मैं जानूं कैसे कि इस पेन की महत्ता या इस पेन की इंपॉर्टेंस क्या है। तब तो मुझे ये समझना होगा कि इस पेन की जरूरत मुझे है या नहीं है। मैंने शब्द लिखा, संविधान एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है। मैं फिर बता रही हूं कि आपकी क्लास लेक्चर वाइज स्टार्ट होगी, लेकिन अभी हम लोग छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ रहे हैं। लिखित और मौलिक दस्तावेज है, एक वैधानिक स्वरूप है या एक वैधानिक कृति या दस्तावेज है। लिखित और मौलिक दस्तावेज है, एक वैधानिक कृति या दस्तावेज है। फिर मैंने लिखा, देश का सर्वोच्च विधि, देश की सर्वोच्च विधि है। इसका मतलब इससे बड़ा कोई विधि है ही नहीं। ये तीन शब्द मैंने लिखा, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा है। मैंने कहा संविधान लिखित और मौलिक दस्तावेज है, संविधान एक वैधानिक कृति अथवा दस्तावेज है, देश की सर्वोच्च विधि है। जैसे अगर एक व्यक्ति, या इस मैं केवल और केवल इसकी बात करूं, देश की सर्वोच्च विधि है, मैं उसकी बात कर रही हूं। अब चलिए इसको सिद्ध किया जाए, देश की सर्वोच्च विधि है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जिसने एक क्राइम किया, बी का मर्डर किया। एक व्यक्ति ए है जिसने क्या किया, बी का मर्डर किया। भाई मर्डर हुआ, जाहिर सी बात है पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट मिलेगा, और पनिशमेंट कौन देगी, तो पक्का है कि न्यायपालिका देगी, जुडिशरी देगी। मैं केवल क्या आपको समझाना चाह रही हूं, देश की सर्वोच्च विधि है वो समझाना चाह रही हूं। ए ने बी का मर्डर किया, इसलिए न्यायपालिका ने क्या किया, ए को पनिशमेंट किया, और क्या कहा, या तो आपको क्या होगा, मृत्युदंड होगी, या क्या होगा, आजीवन कारावास होगी। चलिए भैया इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अब इन्हें जब मृत्युदंड दिया गया, तो एक बार फिर से क्या किया गया, समीक्षा की गई। मतलब फिर से इनके द्वारा दिए गए निर्णय का क्या किया गया, तो फिर से इनके द्वारा दिए गए निर्णय का आकलन किया गया।
फिर से लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की समीक्षा की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति जिसको जीवन जीने का अधिकार है कहीं ऐसा कुछ आधार या पॉइंट है जिसके कारण उसके जीवन को छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 की व्याख्या जब हम करेंगे बहुत व्यापक तौर पर करेंगे। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब विधि ऐसा कहती हो, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जाएगा। हमें आपको पता है कि यह कहां से लिया गया, तो जापान के संविधान से लिया गया। यानी हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ शब्दों को समझ लें। अब क्या हुआ, जब इसकी जांच की गई, समीक्षा की गई, तो पाया गया कि ए ऐसा कोई ग्राउंड था जिस ग्राउंड के कारण बी की हत्या तो हुई लेकिन ए का इंटेंशन हत्या का नहीं था। ए का इंटेंशन हत्या का नहीं था, इसका मतलब ए के द्वारा अनजाने में बी की हत्या हो गई। लेकिन आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जितने आपको लॉज दिख रहे हैं भारत में, सबने क्या कर दिया, इन्हें मर्डरर घोषित कर दिया और इन्हें पनिशमेंट कर दिया। करना भी चाहिए क्योंकि रूल लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, यह हमारा संविधान कहता है। अब जब ऐसा हो गया तो ए ने क्या किया, इसी संविधान का सहारा लिया और क्या कर दिया, क्षमा याचिका दायर कर दी। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कहीं लिखित प्रमाणित है। मैंने आपको एक तरीका बताया है देश की सर्वोच्च विधि होने का। राष्ट्रपति जी के सम्मुख उसने क्षमा याचिका दायर कर दी और राष्ट्रपति जी ने उस ए को जो मृत्यु दंड मिला था एकदम से भी समाप्त कर दिया, या उसे आजीवन कारावास या कुछ कारावास की सजा दे दी। इसका मतलब क्या था कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि थी जिसने इन पूरे को समाप्त कर दिया। कब? जब उन्हें लगा कि विधि चूंकि मानवों द्वारा ही तो कृत किया गया है, न्यायालय में कोई मानव ही तो न्यायाधीश के रूप में बैठा है, उससे भी तो गलतियां हो सकती हैं। इसलिए समीक्षा करने के बाद जब हमें समझ में आया कि ए ने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण यह घटना घट गई लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो चूंकि ए किसी को मारना नहीं चाहता था इसलिए वो दंड का भी पात्र नहीं था। जैसे अगर मैं कहूं राजा दशरथ श्रवण कुमार को मारना नहीं चाहते थे, सेम कहानी यहां समझ लीजिए। अगर ऐसी कुछ घटना घटती है तो क्षमा याचिका कौन देता है, तो संविधान देता है। तो अब आप समझ लीजिए देश की सर्वोच्च विधि है कि नहीं, जिसके द्वारा देश की विधियां संचालित होती हैं अथवा नहीं, ये इसी से साबित हो जाता है। मैंने सिर्फ आपको बहुत इजी वे में विदाउट लेक्चर विदाउट बुक्स विदाउट सब्जेक्ट पढ़ाया है क्योंकि अब आप इसको व्यवहारिक रूप में ढाल लें। जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको बताया जाएगा। जब हम बात करेंगे राष्ट्रपति महोदय जी की तब हम आपको पूरा डिटेल से इसकी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे ये क्षमा याचिका होती है, कितने प्रकार की होती है, लघुकरण कब कर दिया जाएगा, ठीक कब टोटली इसको समाप्त कर दिया जाएगा, हम सब डिटेल में आपको बताएंगे। परिहार क्या होगा ये सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि संविधान की हम बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा भारत का संविधान एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है। जो कि ऐसे नियमों को वैधानिकता प्रदान करता है। हमने क्या कहा, भारत का संविधान एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है जो कि ऐसे नियमों को वैधानिकता प्रदान करता है। कैसे नियमों को, तो जो मानवीय मूल्यों को पूर्ण करने में
अपना सहयोग प्रदान करती हैं। भारत का संविधान एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है जो कि ऐसे नियमों को वैधानिकता प्रदान करता है जो मानवीय मूल्यों मतलब ह्यूमन वैल्यूज जो मानवीय मूल्यों को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। तो कौन करता है और मानवीय मूल्य क्या है, अब इस पे आ जाइए। एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है। सवाल आपसे कि लिखा क्यों गया और मौलिक शब्द क्यों आया, लिखा क्यों गया, मौलिक शब्द क्यों आया और मानवीय मूल्य शब्द को इसमें क्यों लाया गया। एक लिखित है तो क्या हर देश का संविधान लिखित होता है? अब यहीं पे छोटी सी बात कर ली जाए संविधान के स्वरूप की, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी देख लीजिए। संविधान के स्वरूप की बात किया तो हमने एक लिखित संविधान दिखा हमें और एक अलिखित दिखा। एक लिखित संविधान दिख रहा है और एक अलिखित संविधान दिख रहा है, इसका मतलब कि संविधान के स्वरूप दो हो गए। बात की जाए लिखित संविधान की, ऐसा संविधान, किसी देश का ऐसा संविधान जो उस देश के संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो। ऐसा संविधान जो उस देश के संविधान सभा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा लिखा गया हो वो क्या होता है, लिखित संविधान होता है। और ऐसा संविधान जो व्यवहारिक रूप में क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा हो, विकसित हो रहा हो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो क्या है, तो वो अलिखित संविधान है। मैंने क्या कहा, एक ऐसा संविधान लिखित संविधान कब होगा, जब उस देश का संविधान क्या क्या रे संविधान सभा के द्वारा एक पटल पर बैठ के चर्चा विचार विमर्श के बाद अपने देश की परिस्थितियों को देखकर लिखा जा रहा हो, तब वो क्या है, लिखित संविधान है। और अलिखित कौन है, जो व्यवहारिक रूप से विकास क्रम के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी लाए गए नियमों को खुद मान लेना, सहज रूप से चलना, उसमें चल रहा वो अलिखित होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन में संविधान लिखा ही नहीं गया था, वहां क्या था, वो नियम बनते गए, लोग उसको फॉलो करते गए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में आती गई। लिखित संविधान भारत में जरूरत क्यों पड़ी, और सबसे पहला और सबसे विकसित लिखित संविधान किसका है, तो आप भी जानते हैं यूएसए का है। भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान सभा ने एक लिखित संविधान बनाने का निर्णय इसलिए लिया कि इसके पूर्व अंग्रेजी शासन द्वारा बहुत अधिनियम पारित किए जा चुके थे। उस अधिनियम के द्वारा हमारी जनता जो ज्यादा से ज्यादा गांवों में रहती थी, जिनके पास शिक्षा का अभाव था, जिन्हें वास्तव में शासन के बारे में जानकारी नहीं थी, वो उसी द्वारा शासित हो रही थी। अगर ये लिखा ना जाता तो हो सकता है कि उनके पास न्याय व्यवस्था पहुंचने में बहुत समय लगता, या अब तक शायद उन्हें यह ना जानकारी हो पाती कि संविधान भी ऐसी चीज है जिसमें कुछ लिखा गया है। इसीलिए संविधान को लिखते समय, अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान रखते समय, जो जो हमने अंग्रेजों के समय खोया था और जो जो हमने उसके पूर्व खोया था, हमने अपनी संप्रदाय धर्म जाति सबको मिलाकर भावनात्मक रूप से एक मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए संविधान को लिखा। इसीलिए भारत का संविधान बहुत बृहद संविधान हो गया और बहुत मजबूत लिखा हुआ संविधान हो गया। तो आप समझ लीजिए कि लिखित संविधान कब होता है, जिसे संविधान सभा द्वारा किसी पटल पर बैठकर लिखा जाए, और अलिखित कब होता है, तो अलिखित ब्रिटेन के संविधान से आप समझ लीजिए कि जो व्यवहारिक रूप से सतत विकास के क्रम को बढ़ाता चला जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के व्यवहार में शामिल हो जाए, वो होता है अलिखित संविधान। तो लिखित और मौलिक, मौलिक किसे कहेंगे आप,
मैंने कहा लिखित दस्तावेज है, तो बताया मैंने कि चूंकि भारत संविधान निर्माण के पहल पे अगर हम बात करें, भारत का संविधान किसी शब्द का द्योतक नहीं हो सकता, भारत का संविधान किसी एक निश्चित अवधि का द्योतक नहीं हो सकता, भारत का संविधान किसी क्षेत्र सीमित या किसी एक अधिकार या किसी कुछ अधिकारों को लेकर चलने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती, भारत का संविधान क्या हो सकता है, तो भारत का संविधान एक अनिश्चित समय से चल रही क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है, मतलब ये सदियों से निरंतर मांग के द्वारा, अपने अधिकार की मांग, लोगों की चेतना जागृत के द्वारा ये चली आ रही प्रक्रिया है जो क्रम तरीके से डिमांड में शामिल है। जैसे अगर बात की जाए तो एक समय हमने सुना कि भारत में जाति प्रथा थी, भारत में पर्दा प्रथा था, भारत में छुआछूत की भावना समाज में व्याप्त थी, भारत में धर्म इतना मजबूत था कि लोगों को लगता था कि ये निम्न वर्ग है और ये निम्न वर्ग हमारे साथ, हमारे जैसे उच्च पुरोहित उच्च वर्ग सामंतों के साथ बैठने के लायक नहीं है। यानी आप समझ लीजिए मानवीय मूल्य शब्द पे हम आ रहे हैं, मानवों की वैल्यूज क्या थी, तो वो उनके जाति धर्म के आधार पर लाई जाती थी। यानी एक मानव कब अच्छा मानव है ये उसकी जाति और धर्म निर्धारित करते थे, ना कि उसके कर्म निर्धारित करते थे। यानी उसकी स्टेटस सोसाइटी में क्या है ये केवल और केवल उसके जाति पे आधारित थी। अब क्या था, अब आप ऐसा समझिए, आप अपने जेहन में वो बात लाइए कि जब ऐसा रहा होगा और कालक्रम से ये चीजें लोगों के मन में व्याप्त होंगी तो समाज कैसा समाज होगा। उस कुरीतियों भरे समाज को तोड़ने के लिए लोगों की मांग निरंतर बढ़ रही होगी, तो क्या आपको लगता नहीं कि संविधान जब बना होगा तो लोगों ने इस बात को भी रखा होगा, मतलब कोई एक तिथि, कोई एक निश्चित सदी, आप इसको डिसाइड कर ही नहीं सकते, कुछ शब्दों में आप इसे सीमित कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उस समाज को ढो रहे थे जो समाज आपकी परंपरावादी रूढ़ियों को जिंदा किए हुए थी, जो संप्रदाय पर आधारित थी, जो धर्म पर आधारित थी, जो क्षेत्र पर आधारित थी, जो जाति पर आधारित थी। तो अब आप समझिए मौलिक दस्तावेज के लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो मौलिक दस्तावेज क्या है, तो भैया ये वही मूल्य है जो मूल्य समाज में समता मूलक समाज लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मूल्य क्या थे, व्यक्ति को मानव होने के नाते मिले थे, ना तो किसी जाति या धर्म के नाते मिले थे। व्यक्ति मानव है वो उसकी इसी बात की गरिमा है, वो पशु नहीं है, यानी वो सोच सकता है, वो कार्य कर सकता है, जरूरी नहीं वो किस जाति धर्म संप्रदाय का है। तो जब व्यक्ति के पास इस प्रकार के मौलिक अधिकार होंगे जो क्या करते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करते हैं, तब वो क्या है, वो मौलिक है। और मौलिक क्या है, अति आवश्यक है। व्यक्ति अगर ये नहीं पाता है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, और जब व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता तो मान लीजिए उस समाज का विकास नहीं हो सकता, और जब समाज का विकास नहीं हो सकता उस देश या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये शब्द आ जाए कि भारत का संविधान एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है तो सही है भाई। लिखित इसलिए है कि हम न जाने कितनी परंपराओं से चीजों को तोड़ने में लगे थे, और आने वाली पीढ़ी को हम व्यवहारिक रूप से इसलिए ना दे पाते क्योंकि सदियों से हम किसी और के गुलाम बने हुए थे। भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र थे, ऐसे बहुत से छोटे गांव थे जहां पर लोगों को यह नहीं पता था कि अब नियम कौन सा बदला या अब कौन से अधिनियम पारित हुए। इन सब को जताने के लिए और भारत की परिस्थिति के लिए, भारत के परिवेश के लिए, भारत में रह रही कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इसका लिखित होना अनिवार्य था। मौलिक दस्तावेज मौलिक वो होता है जो किसी भी व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास करता है, इसलिए मौलिक होता है। इसलिए अगर कहा जाए भारत का संविधान लिखित और मौलिक दस्तावेज है तो बिल्कुल सही है। फिर हमने कहा जो कि ऐसे नियमों को, कैसे नियमों को, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक हो, ऐसे नियमों को वैधानिकता प्रदान करते हैं। अगर ऐसा है तो आप एक शब्द और मेंशन कर लीजिए, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। Thank you.
कैसे वैधानिक दस्तावेज है तो अब इस बात को समझ लीजिए। जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, भाई संविधान क्या था, तो संविधान ने कहा ना आप मेरे नागरिक हो। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें अपने देश के संविधान की जानकारी होनी क्यों चाहिए, तो चूंकि हम अपने देश के नागरिक हैं ना, अगर हम अपने देश के नागरिक हैं तो हमें अपने देश के नियम कानून जानने की आवश्यकता है। हम किसके द्वारा संचालित होंगे, तो हमने कहा अब तो हम गुलाम नहीं है भाई, अब तो हम 1947 का अधिनियम भी पारित हो चुका और उसके बाद हमने संविधान सभा का निर्माण भी कर लिया, तो हम अब क्या है, अब हम तो गुलाम नहीं है। जब हम गुलाम नहीं है, किसी के दास नहीं है, तो हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हैं इसलिए ना तो हम आपके आदेश मानेंगे ना हम आपके किसी भी कहे अनुसार चलेंगे। मतलब संविधान ने आपको बता दिया कि मैंने तो आपको नागरिक होने के नाते ये अधिकार दे दिए हैं। जब मैंने आपको इतने ढेर सारे अधिकार दे दिए हैं और उस अधिकारों का कोई हनन करता है, तो मैं संविधान, चूंकि मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका रक्षक हूं क्योंकि आप मेरे देश हैं, आप मेरे नागरिक हैं, इसलिए अगर आपसे कोई वो अधिकार छीनता है तो मैं ऐसे नियम कानून को न्यून कर देता हूं, अवैधानिक कर देता हूं, उसे समाप्त कर देता हूं। इसका मतलब वैधानिक दस्तावेज है जो ये बता देता है कि मैं सबसे सुप्रीम बॉडी हूं, मैं सुपर बॉडी हूं और मेरे अधीन सारे देश की विधियां हैं। इसलिए क्या है, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। फिर हमने कहा ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो मानवीय मूल्यों को प्रदान कर रहा है। अब आई बात मानवीय मूल्य, जो मानवीय मूल्यों को प्रदान कर रहा है ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज किसे कहेंगे? मैं कह दूं कि ये नैतिक मूल्य के विपरीत है, ये हमारी इच्छाओं के विपरीत है। ये क्या है, तो ये मानवों का हनन करने वाला नियम है, इसलिए इस नियम का उल्लंघन कर देना चाहिए, इस नियम को मानने से इनकार कर देना चाहिए। तो पूछा जाए सवाल कि कैसा नियम, कैसी नैतिकता, कैसी मानवीय मूल्य आपको चाहिए, तो मानवीय मूल्य यानी ऐसे तत्व जिन पर मानव आधारित होता है। ऐसे तत्व जिन पर मानव आधारित होता है, तो अब मैं आपसे सवाल करूं कि वो तत्व क्या है, धर्म, जाति, संप्रदाय, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सब। यानी ये मेरे ह्यूमन वैल्यूज हैं, आप उन्हें क्या करें, प्रोटेक्ट करें, क्यों, क्योंकि मैंने आपको रचा है, आपको मैंने बनाया है। किस लिए बनाया है, अपने संचालित होने के लिए बनाया है, या तो स्वतः बनाया है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बनाया है। जब मैंने आपको बनाया है तो आप मुझे मेरे नैतिक मूल्यों को दे, जिससे मैं अपने मानवीय मूल्यों को पाने के बाद मैं अपना सर्वांगीण विकास कर सकूं। अगर किसी भी देश के नागरिक को उसका न्याय ना मिले तो वो संविधान किस काम का, भाई मैं कह दूं कि संविधान क्या है, तो संपूर्ण देश का रक्षक है। सब सो सकते हैं, ना तो संविधान सो सकता है, ना संविधान के लिए बनाई गई संस्था सर्वोच्च न्यायालय सो सकती है। क्यों, क्योंकि न्याय किसी ना किसी रूप में मिलना जरूरी है। अगर न्याय नहीं मिलता तब नैतिक मूल्य समाप्त हो जाता, और अगर नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य समाप्त होता है तो ऐसा संविधान उसी दिन समाप्त हो जाता है। फिर मैंने कहा धर्म, जाति, केवल एक धर्म की बात नहीं है कि आपने मेरा धर्म बढ़ा दिया। एक देश है, वो देश कैसा है, तो हिंदू देश हो सकता है, वो मुस्लिम देश हो सकता है, वो किसी भी धर्म का देश हो सकता है, नहीं, कैसा देश, तो जो हमने बात की है सेकुलरिज्म की, हमने क्या कहा कि आप धर्म निरपेक्ष हो जाएं, मतलब आप धर्म निरपेक्ष हो जाएं, जो हमारी उद्देशिका हमें बताती है कि आप ऐसा बने ना कि आप सारे धर्मों को क्या कर दे, संरक्षण दे दे, किसी एक धर्म की बात ना करें, तब तो आपने मानवीय मूल्य को जिंदा कर रखा है। जाति, सभी जातियां, जरूरी नहीं कि वो सूचक शब्दों से लाई जाए, जाति का मतलब मानव भी तो एक जाति हो सकती, स्त्री पुरुष हो सकते हैं,
यानी बंटवारा क्या हो, ऐसे जातियों का ना हो जो हमने नाम दे रखा, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये है, ये बात नहीं होनी क्या चाहिए। मानव एक जाति है और जाति में हो सकता है मैं स्त्री पुरुष कर दूं, वो पर्याप्त है, लेकिन जाति शब्द से किसी को या किसी की हैसियत को आंकना ये गलत है। फिर संप्रदाय, आपने क्या कर दिया, एक मेरे संप्रदाय को, एक मेरे क्षेत्र को मजबूती मत दीजिए। संविधान ने यह कहा कि मेरे लिए आप एक संप्रदाय नहीं है। जिस दिन आप इस प्रकार के मूल्यों को हटाकर यह कह देंगे पूरा देश के नागरिक, सारा क्षेत्र मेरा संप्रदाय है, मैं चाहे 370 में घूमू चाहे मैं कन्याकुमारी तक घूमू, ये मेरा देश है, मेरा भारत है, तब उस दिन क्या हो जाए, संविधान जीवित हो जाएगा और यही मानवीय मूल्य होगा। फिर मैंने बात की समानता और स्वतंत्रता की। अगर मनुष्य स्वतंत्र ना हो, मैंने कहा आपसे कि मनुष्य तब मानव होता है जब वो पशु नहीं होता। क्यों? एक शब्द है पशु, आप उसको बांध देते हैं, जो मनाया आपने उसको दे दिया, जब मनाया आपने उसको भोजन दिया, जब मनाया जैसे आपने उसको छोड़ दिया। क्या मानवों के साथ ऐसा होता है? इसका मतलब स्वतंत्र कैसा, तो स्वतंत्रता ऐसी जो मुझे सोचने पे मजबूर करे, मेरी इतनी इच्छा है कि मैं ये बनूं, मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी संप्रदाय में पैदा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं देश के इस पद को पाऊं, तो मेहनत मेरी होनी चाहिए, उसके लिए किया गया कर्तव्य मेरा होना चाहिए, मगर स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि वो पद सबके लिए बना है। मैं इस देश का नागरिक हूं, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो जाऊं, मेरा अधिकार है कि मैं सिविल के एग्जाम के लिए खड़े हो जाऊं, किसी भी प्रकार से मेरी स्वतंत्रता बाधित ना हो। और समानता, यह कह दिया जाए कि आईएएस का एग्जाम होने वाला है और केवल उच्च वर्ग के लिए 300 सीटें निकली हैं, आप तुरंत बगावत कर देंगे, आप तुरंत बगावत कर देंगे, क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा, हम भी तो देश के नागरिक हैं और ये सिविल पे किसी का एकाधिकार तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक को मजबूती कहां से मिली है, तो संविधान से मिली, और संविधान को ये मजबूती किसने दिया, तो हम आप नागरिक ने दिया, किसके लिए दिया, खुद के लिए दिया। जब हम आपने खुद के लिए दिया और कुछ नियम संग्रह बनाए, तो उसपे केवल और केवल हमारा अधिकार है, और यही मानवीय मूल्य है जो तय करते हैं। अब मैं कहूं कि ये मानवीय मूल्य जो आपको ये दे रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, समान हैं, और आप क्या है, तो आप एक गरिमामय जीवन जी सकते हैं, आप मानव हैं। तो ये मानवीय मूल्य क्या है, तो कहा जाता है संविधान का उद्देश्य ही तो है संविधान का एकमात्र उद्देश्य है कि सभी के मानवीय मूल्यों को जीवित रखा जाए। और ऐसे मानवीय मूल्यों को देने के लिए ही कुछ संस्थाओं को गठित किया जाए, ऐसे मानवीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए कुछ संस्थाओं को गठित किया जाए। और ऐसी संस्थाएं किसमें समाहित है, तो फिर मैंने कहा ऐसी संस्थाएं संविधान में समाहित है। इसका मतलब इनके पास पूरा पूरा अधिकार होगा इन मानवीय मूल्यों को संचालन करने का। लेकिन ये कहां होंगी, तो भले ही इनके पास पूरा अधिकार होगा इन मानवीय मूल्यों को संचालित करने का, लेकिन इन मानवीय मूल्यों को संचालित करने का अधिकार इस संस्था के पास होगा, मगर इस संस्था को गवर्न कौन करेगा, तो आपके देश का संविधान करेगा। इसका मतलब आप मनमाने तरीके से मानवीय मूल्य नहीं दे सकते, आपको उसी प्रकार मानवीय मूल्य देना होगा या जीवित रखना होगा जैसा हमारे देश के संविधान ने कहा, जो संविधान सभा में बैठ के संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सोचा था। मैंने एक शब्द कहा, भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सोचा था, मतलब मैंने लिखा जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, कौन करता है, संविधान करता है। जनता में निहित है, क्या निहित है, तो संविधान की समस्त शक्ति जनता में निहित है। इसका मतलब
इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जन प्रभुत्व के लिए बनाई गई भारतीय संविधान जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। इसका मतलब ये जनता की आकांक्षा थी कि हम कुछ ऐसे नियम संग्रह ऐसे दस्तावेज बनाए जो हमारे मानवीय मूल्यों को पूरा करे, जो हमारे नैतिक मूल्यों की पूर्ति करे और हमारा सर्वांगीण विकास करे। इसका मतलब एक समतामूलक समाज की बात कर दे, एक न्याय की बात कर दे, एक स्वतंत्रता की बात कर दे, समानता की बात करते, मतलब एक ऐसा समाज जिस समाज में रहने पर हमें कहीं ऐसा ना लगे कि ये मेरा समाज नहीं है, मेरा देश नहीं है। इसलिए ये मेरी आकांक्षा है, जनता ने कहा कि एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए। इसका मतलब संविधान की समस्त शक्ति किसमें निहित है, तो जनता में निहित है, अर्थात जन प्रभुत्व में निहित है। भले ही ये अपने आप शासन कर ले या अपने द्वारा किसी को दे दे और कह दे कि हमारे लिए आप शासन करिए, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए करिए और उसका रिजल्ट हमें बताइए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो आप मेरे लिए फिर से आगे कार्य करिए, अन्यथा हम जवाब देंगे। इसका मतलब जन प्रभुत्व क्या है? जन प्रभुत्व ही पावर में है जो ये बताते हैं कि संविधान के नियम जो हमने बनाए हैं वो कौन चलाएगा और कब तक ले जाएगा। अब छोटे छोटे शब्द जो मैंने कहा, अब उन शब्दों को समझ लीजिए। मैंने कहा संविधान किसी भी देश का एक ऐसा दस्तावेज या संग्रह होता है जो उस देश की जनता के या उस देश में रहने वाले नागरिकों के मूल्य सिद्धांतों तथा नैतिक मूल्यों की पूर्ति करता है। इसका मतलब कि ये बताता है कि उस देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी। मतलब संविधान ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, संविधान ही एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट्री है, जो क्या करती है, तो ये बताती है कि वहां की जनता ये दर्शाती है कि वहां शासन स्वरूप कैसा होगा। एकात्मक होगा, संघात्मक होगा, लोकतांत्रिक होगा, राजतंत्र पर आधारित होगा। ये कौन बताता है? तो ये उस देश का संविधान बताता है। और ये संविधान निर्मित किसके द्वारा होता है? तो वहां के जन प्रभुत्व द्वारा निर्मित होता है। फिर ये बताता है कि सरकार का कार्य कैसे निर्धारित होगा। यानी किसी देश के संविधान के द्वारा ही उस सरकार के कार्यों का निर्धारण होता है, सरकार का निर्माण होता है। और सरकार जिन अंगों पर या जिन व्यवस्थाओं पर सरकार आधारित होती है, उन अंगों अथवा उन संस्थाओं का निर्माण भी कौन करता है? तो संविधान करता है और उन्हें शक्ति भी प्रदान करता है। यानी क्या है? तो संविधान किसी देश के नियमों नीतियों का ऐसा संग्रह है जो उस देश के शासन व्यवस्था की बात करता है। वो बताता है कि वहां शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। इसके साथ साथ संविधान ही वो है जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि सरकार कैसी होगी, सरकार के शासन तंत्र क्या होंगे, सरकार किस प्रकार कार्य करेगी, किस माध्यम से कार्य करेगी। और सरकार जिन माध्यमों पर आधारित होती है, सरकार जिन अंगों या व्यवस्थाओं पर आधारित होती है, उनका निर्धारण भी कौन करता है? तो उनका निर्धारण, उनका निर्माण, उन्हें शक्ति प्रदान और उनकी शक्तियों को सीमित भी संविधान करता है। हमने हमेशा एग्जाम देते समय भी देखा होगा कि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका,
विधायिका अथवा व्यवस्थापिका अथवा न्यायपालिका। हमने बात की सरकार, सरकार के अंग क्यों? क्योंकि भारत के संविधान ने बताया कि आपके देश को शासित करने के लिए, आपके देश का संचालन करने के लिए एक गवर्न बॉडी होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे। और वो गवर्नमेंट किस पे आधारित होगी? तो वो गवर्नमेंट जनप्रभुत्व पे आधारित होगी। और जनप्रभुत्व किसको वैल्यूज देगा? तो जनप्रभुत्व उसको वैल्यूज देगा, उस संस्थाओं को वैल्यूज देगा जो ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाएंगी। और वो क्या है? तो सरकार के वही मुख्य तीन अंग है, कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन है। अब इनको देख लीजिए ये क्या है। यहां केवल आप समझ लीजिए सारे टर्म्स, फिर जब लेक्चर चलेंगे तो हम इनको क्या करेंगे, एक एक चीजों को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, चीजें बहुत बृहद में पढ़ानी है, बहुत विस्तृत पढ़ानी है, और शब्दों को नहीं जाने रहेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। कार्यपालिका देखिए, देश में शासन के स्वरूप को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप सरकार में बैठे हुए, आपने देखा कि किसी क्षेत्र में विकास की मात्रा बहुत कम है। अब आपने पाया कि वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आपने उस मुद्दा को संसद में उठाया, तो भैया उस मुद्दा को जैसे आपने उठाया तो हो सकता है वो मुद्दा वहां से पारित होकर विधेयक बन जाए, एक अधिनियम ऐसा पारित हो जो विधेयक बन जाए, राष्ट्रपति जी की मंजूरी पाए, और वो क्या हो गया, एक नियम बन गया। नियम बना मतलब एक विधि का निर्माण हुआ, और विधि का निर्माण कहां से हुआ, तो विधायिका से हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उस मुद्दे को वहां उठाया था और आपकी असेंबली ने बैठकर उस पर चर्चा किया और एक नियम पारित किया। अर्थात देश की विधियों का निर्माण करने वाली संस्था, देश की विधियों का निर्माण करने वाली संस्था कोई है तो वो क्या है, विधायिका अथवा व्यवस्थापिका अथवा लेजिस्लेटर। अब कार्यपालिका की बात कर ले, बनाई गई विधियों का क्रियान्वयन अर्थात इसे लागू कराना, बनाई गई किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाई गई नियमों को क्रियान्वित कराना अर्थात पूरे देश में इसको लागू कराना, मींस रूल मेकिंग बॉडी, रूल एप्लीकेबल बॉडी, इसने जो नियम बनाया वो विधि कानून वो नियम इन्होंने क्या किया, पूरी जगह लागू कराया। पहली बात एक चीज याद कर ले, ये तीनों बॉडी सरकार के जो तीनों अंग है अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र है, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन सबसे सर्वोच्चता इसको प्रदान की गई, कहा गया कि आप क्या है, तो आप निष्पक्ष बॉडी है, यानी आप निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। आपका काम क्या है, तो आपका क्या काम है, न्याय निर्णयन करना। आपका काम है न्याय निर्णयन करना, मतलब आप ये देखें कि जो व्यवस्थापिका अथवा विधायिका ने देश के लिए विधि बनाई क्या वो संविधान के अनुरूप है, क्या वो विधि वैधानिक है। ऐसा तो नहीं कि वो अवैधानिक है या वो संविधान का हनन कर रही है। फिर आपका क्या कार्य है, आप ये देखें, अगर मान लीजिए न्यायपालिका ने यह चेक किया कि इन्होंने जो नियम बनाया वो संविधान के विधियों के अनुरूप है, अवैधानिक नहीं है, तो ठीक है, यानी व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, ओके। फिर न्यायपालिका ने देखा कि अगर मान लीजिए कार्यपालिका ने उस विधि को लागू कराया,
मतलब दोनों बॉडी को गवर्न कर रहा है कि न्यायपालिका ने यह देखा कि कार्यपालिका ने उस बनाई गई विधि को जो मैंने जांच कर लिया है सही है, उसको लागू कराया तो वो गलत तरीके से अर्थात अवैधानिक तरीके से इसने उसको लागू कराया है, तब क्या है कार्यपालिका के उस कार्य को वो तत्काल रोक देगा। इसका मतलब न्यायपालिका के पास न्याय निर्णय की क्षमता है जो बताता है कि भले ही आप अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है लेकिन आप बाधित है संविधान के अनुरूप चलने के लिए, क्यों? क्योंकि आप सरकार को शक्ति देते हैं और सरकार किसने बनाई है? जनप्रभुत्व ने, जिस जनप्रभुत्व ने संविधान को अपना माना है। अब चूंकि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं, हो सकता है आप तानाशाह हो जाए, हो सकता है आप विधियों को अपने अनुरूप कर ले जाए, इसलिए क्या किया जाए, आप अगर कभी ऐसा कोई कार्य करते हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो आपके ऊपर संसद का दबाव बनेगा, मतलब आपको बाधित या बाउंड कोई कर सकता है तो संसद, मतलब आप तीनों को शक्ति भी किसने दी, तो आप तीनों को शक्ति दी संविधान ने, और आप लोगों की शक्तियों को संचालित करने के साथ साथ आप लोगों की शक्तियों को सीमित भी कर दिया, आप लोगों की शक्तियों को नियंत्रित भी कर दिया। क्यों? क्योंकि आप पर ही देश की शासन सत्ता क्या है आधारित है, आपके ही द्वारा देश का शासन चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप तानाशाह हो जाए, आप अपने अपने क्षेत्र में मनमाना करने लगे, इसलिए क्या कर दिया जाए, न्यायपालिका को अधिकार दे दिया जाए कि वो दोनों को गवर्न कर ले, और न्यायपालिका जब कहीं गलत हो तो संसद को अधिकार दे दिया जाए कि वो उसके द्वारा बनाई गई विधियों को अवैधानिक या शून्य करार कर दे। ये क्या है? ये सरकार के अंग है जो क्या बताते हैं कि सरकार को जो मजबूती संविधान देती है वो संविधान अभी भी किसके हाथ में है, तो जनप्रभुत्व के हाथ में है, और जनप्रभुत्व ने कहा कि आप तीनों को इसलिए निर्मित किया जा रहा है कि आप संविधान के उद्देश्य की पूर्ति करें, और संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य है कि आप मेरे मानवीय मूल्यों को, मेरे नैतिक मूल्यों को पूरा करें, इसलिए आप सब कहां हैं, तो आप सब कहीं ना कहीं संविधान के अंदर हैं। और ये इतना मजबूत टॉपिक है मित्रों कि अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे देश का संविधान क्या है, आपको यह जानकारी नहीं है कि मैं अपने देश में किस प्रकार शासित होऊंगा, तो आपको यह नहीं पता है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, या मैं तानाशाह शासन में हूं, या मैं राजतंत्र में हूं, मैं प्रजातंत्र में हूं, मैं लोकतंत्र यानी मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हूं कि नहीं हूं, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके मानवीय मूल्य कहां है, आप इस बात का आकलन खुद कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या संविधान जानना आवश्यक है, तो आप समझ लीजिए कि आप जिस सरकार को बनाते हैं वो सरकार को शक्ति भी, और उस सरकार के लिए बनाई गई ये तीनों संस्थाएं भी उसी संविधान के लिए कार्य करते हैं जो आपके देश को संचालित करता है, जिसे स्वतः आपने निर्मित किया है। अब मेरा सवाल दूसरा था कि क्या संविधान शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो आपने देख लिया अगर इनको संचालित ना किया जाए, इनको केवल शक्तियां दे दी जाए तो क्या तानाशाह नहीं बनेंगे, इसलिए क्या कर दिया जाए, शक्ति भी दिया जाए, संचालन भी किया जाए, निर्धारित कर दिया जाए कि आपकी शक्तियों की सीमाएं कहीं ना कहीं बाधित है। फिर मैंने कहा कि आपके देश का संविधान कैसा है, तो आप समझ लीजिए कि जब जनप्रभुत्व इतना मजबूत है तो आप कहां हैं, आप लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र इतनी मजबूती के साथ आप में समाहित है। मैं वैसे भी बार बार आपको बताती हूं कि भारत का लोकतंत्र अन्य देशों के लोकतंत्र की अपेक्षा बहुत मजबूत है, आप किसी भी बात के लिए बेबाकी से आवाज उठाते हैं, भले ही फेसबुक के माध्यम से उठाए, व्हाट्सएप के माध्यम से उठाए, ट्विटर के माध्यम से उठाए, आप अपनी आवाज को रखते हैं और आपकी आवाज सुनी जाती है, लोकतंत्र की सबसे बुलंदी की बात है। इसके बाद मैंने कहा एक शब्द आपसे कि राजनीति शास्त्र पढ़ना क्या आवश्यक है, हर विषय की अपनी वैल्यूज है। आप, मैं कह दूं कि राजनीति शास्त्र एक स्वतंत्र विषय है, इस पे इतिहास का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो गलत है, क्योंकि किसी भी देश का संविधान उस देश के इतिहास का द्योतक होता है, और इतिहास क्या बताता है कि उस देश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति क्या थी।
लोगों ने अपने संविधान में, संविधान की उद्देशिका में जिस चीजों का मांग की है, जिन नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों की बात की है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इतिहास में खो गई थी, जिसको वो पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भीषण क्या किया है, तो जिसके लिए उन्होंने भीषण प्रयोग किया है, जिसके लिए उन्होंने न जाने कितनी बार आंदोलन किया है, जिसके लिए उन्होंने विद्रोह किया और अपने जीवन को समाप्त किया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी अन्य विषय का अपना महत्व नहीं है। हिस्ट्री अगर ना हो तो किसी देश के बारे में आप कुछ जान नहीं सकते। ज्योग्राफी ये बताती है वो देश कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ स्थित है, यानी उस देश की कंडीशन क्या हो सकती है। गर्म देश हो सकता है, ठंडा देश हो सकता है, वहां मौसम किस प्रकार बदलते हैं। तो उसी प्रकार सारे विषयों की महत्वता है, लेकिन मैं चूंकि आपके साथ राजनीति शास्त्र विषय पे हूं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन की बात की। मेरा कहने का मतलब अदर वे में नहीं था कि ये पढ़ना जरूरी क्यों। हम जो अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, हम उसकी बात कर लें कि ये क्या है। तो राज्य प्लस नीति मतलब हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का स्वरूप कैसा है। उस राज्य में शासन व्यवस्था कैसी है, उस राज्य की नीतियां लोकतांत्रिक हैं अथवा तानाशाह है। राज्य एक अलग ही टॉपिक है। जब हम पढ़ेंगे, जब हम लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो राज्य एक अलग टॉपिक है। और हम सब जानते हैं कि राज्य के मुख्यतः चार आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के मुख्यतः चार आवश्यक तत्व होते हैं। ले लीजिए एक निश्चित भूभाग, वहां रह रहे लोग यानी नागरिक, वह राज्य संप्रभु है अथवा नहीं है, वहां सरकार। इसका मतलब राज्य क्या है। तो राज्य ऐसा एक तत्व है जिनमें ये चार साधन समाहित हो और वो ये बता सके। जब चार साधन समाहित हो, इसका मतलब सरकार। सरकार कैसी, तो सरकार लोकतांत्रिक है, तो इसका मतलब जनप्रभुत्व है। जनप्रभुत्व है तो इसका मतलब लोकतंत्र है। फिर वो राज्य जनप्रभुत्व है, संविधान बना है, इसका मतलब राज्य संप्रभु है। संप्रभु तभी होगा ना जब आंतरिक और बाह्य मामले में क्या करेगा, स्वतंत्र होगा, किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और कोई अन्य देश उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये एक मुख्य अवयव है। फिर हमने कहा वहां रहने वाले लोग अगर जनता निवास नहीं करेगी तो किसके लिए नियम बनेगा। और निश्चित भूभाग जो बताता है, जैसे अगर कह दिया जाए उत्तर प्रदेश है, तो आप पहला सवाल करेंगे कि कहां से कहां तक उत्तर प्रदेश की सीमा है, कहां से कहां तक उत्तर प्रदेश के नियम लागू होंगे। फिर उसके आगे उत्तराखंड है, फिर बिहार है। इस प्रकार आप क्या करते हैं, एक निश्चित भौगोलिक इकाई को बांध लेते हैं और जान जाते हैं कि ये राज्य है। इसलिए राजनीति शास्त्र मतलब मेरे कहने का जो है कि अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं जो आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत सहायक होंगे। तो मैंने बताया राज्य अगर नहीं जान रहे हैं तो जिस राज्य में रह रहे हैं उसका स्वरूप क्या होगा, वहां नीति नियम किसके लिए बन रहे हैं, वहां की जनता किस प्रकार शासित हो रही है, आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए जब हम पढ़ेंगे अब लेक्चर्स लिया जाएगा तो सबसे पहले राजनीति शास्त्र पे लिया जाएगा कि वास्तव में राजनीति शास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और ये किस प्रकार हमें एक इंपॉर्टेंस फैक्टर्स प्रदान करती है। और नीति मैंने बताया नीति क्या है, तो भैया पता तो चले कि वहां बन रहे नियम कानून नीतियां किस प्रकार है, किसके लिए है। अगर लोकतांत्रिक है इसका मतलब इसमें जनता की सहभागिता है, गैर लोकतांत्रिक अथवा तानाशाह है तो इसका मतलब एकात्मक शासन है और उसने जितनी शक्तियां जिसको दी है केवल उसी का प्रयोग वो करेगा। और ऐसा शासन क्या करता है, ऐसा शासन सत्ता जब चाहे तब वो शक्तियों को वापस ले लेता है। मित्रों कोशिश यही आज के लेक्चर में थी कि आपको संविधान क्या है समझ में आ जाए। अभी तो हमने संविधान बनाया ही नहीं, संविधान बताया ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट से बना जिसका अर्थ क्या है, शासन में संविधान में शासन का स्वरूप
शासन का स्वरूप जब बताएंगे तो हम आपको थोड़ा सा एकात्मक संघात्मक इस प्रकार के शासन स्वरूप बताएंगे। इसका मतलब आज केवल और केवल हमने आपको छोटे छोटे टर्म्स समझाने की कोशिश की है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हो उनमें ये जब शब्द आए तो आप इससे रूबरू रहे। ऐसा ना हो कि आपने जब इस शब्द को देखा तो आपको ये लगा कि ये तो हमने पहली बार सुना है। अगर हम इस शब्द को जान जाते, मैम इसको व्याख्या कर देती तो हम उसको समझ पाते। क्योंकि पहला ही टॉपिक शुरू होगा, अगर हम स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में तो संविधान स्टार्ट होगा। संविधान में वास्तव में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आएगी, लोकतंत्र शब्द आएगा, जनतंत्र शब्द आएगा, इसका मतलब संप्रभुता आएगी, समाजवाद आएगा। जब ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे तो हम लोगों को वो जानना आवश्यक होगा। उद्देशिका के पहले संविधान पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे, फिर उद्देशिका पढ़ेंगे और ये शब्दों से रूबरू रहेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। उधर हम क्या करेंगे, उधर जब हम दूसरे खंड की बात करें, जब हम राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक शास्त्र की बात करते हैं तो वहां हम सारे थिंकर को पढ़ेंगे, भले ही वो वेस्टर्न थिंकर हो, इंडियन थिंकर हो, लेकिन पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम रूसो को नहीं जानते, जान लॉक को नहीं जानते, बोधा को नहीं जानते, थॉमस शाह को नहीं जानते तो हम वास्तव में राजनीति नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि जो इतना बड़ा ग्रंथ संविधान या राजनीति शास्त्र में दिखती है उसमें जो विचार है कहां से आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन सबको हटा दिया जाए तो संविधान और राजनीति शास्त्र धराशाही हो जाएगा। इसलिए सबको जानना आवश्यक है और छोटे छोटे टर्म्स के साथ इस प्रकार जानते रहेंगे तो चीजें सहज लगेंगी और हम क्या करेंगे, सफलता के एक और कदम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि ये टर्म्स जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कुछ लोग इसे जान रहे हो तो थोड़ा सा व्याख्या ज्यादा हो गई, इसलिए कि आप इसको ठीक से समझ सके और जहां थोड़ा कमी था उसको आप अपने में डेवलप कर सके। मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ।